भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, पिछले 100 सालों में न जाने जिसके कितने टुकड़े किए गए, परंतु जिस विभाजन से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो था भारत से बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन। कई लोगों का सपना था कि काश ये विभाजन ना हुआ होता, और अगर आगे चलकर ये तीनों देश मिल भी जाएं तो कैसा होता, क्या ये अभी जैसा होता, और अगर कुछ बदलाव आते भी तो किस हद तक, और सबसे बड़ा सवाल क्या ये महाशक्ति होता। जानने के लिए अपनी तशरीफ टिकाकर इस वीडियो को अंत तक देखो। नंबर एक, अगर आज ये तीनों देश एक होते तो आबादी के मामले में भारत सबसे ऊपर होता, जिसकी कुल आबादी लगभग 171 करोड़ होती, जिसमें 114 करोड़ हिंदू, 56 करोड़ मुस्लिम और 11 करोड़ अन्य होते। नंबर दो, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ होता तो भारत के पास दो ऐसी जगह होती जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता, पहला काबू वैली और दूसरा जम्मू कश्मीर, क्योंकि अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान चार बार जंग नहीं लड़ते, ना वहाँ इतने लोग मरते और ना वहाँ इतना नुकसान होता। कश्मीरी पंडित और वहाँ की मुस्लिम आबादी एक दूसरे के साथ मजे से रहते। आतंकवाद जो आज की तारीख में वहाँ दबा के फल फूल रहा है, उसका भी नामो निशान शायद वहाँ नहीं होता। कश्मीर भारत में घूमने के लिए सबसे बढ़िया जगह बन जाती, जिसे पहले के माफिक भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता, और पूरी दुनिया के लोग वहाँ मजे से घूमने आते। नंबर तीन, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ होता तो हिंदू मुस्लिम साथ साथ खुश रहते। आतंकवादी जो आज पाकिस्तान में रहकर भारत में आतंक फैलाने आते हैं वो भी शायद नहीं होते, और शायद उनका मुद्दा भी बिल्कुल उसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ लीडर्स जिनकी रोजी रोटी सिर्फ एक दूसरे को कोसते हुए चलती है वो भी उनसे छिन जाती, यानी एक तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने के ड्रामे का अंत, और इसके बदले मजबूरन राजनेताओं को कुछ ढंग का काम करना पड़ता। नंबर चार, अगर आज बंटवारा और उसके बाद जंग नहीं होती तो सिनेमा जगत की कुछ शानदार फिल्में जैसे LOC, बॉर्डर, गदर जैसी शानदार फिल्में हमें देखने को नहीं मिलती, और जिन लोगों को ऐसी फिल्में बहुत पसंद है उन्हें इसी से काम चलाना पड़ता। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा देश एक महाशक्ति होता। बंटवारे के बाद से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चार जंग हो चुकी है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आतंक फैलाने के लिए जितना पैसा इस्तेमाल कर चुके हैं, पाकिस्तान से बांग्लादेश के विभाजन के वक्त जितना पैसा खर्च हो चुका है, इन तीनों देश के राजनेता एक दूसरे को लड़वाने में जितना पैसा लगा चुके हैं वो सारा आज बच जाता, और इन तीनों के बीच आए दिन जितनी वारदात होती है हम उन पर इतना समय बर्बाद नहीं करते, और कुछ अलग करते, कुछ नया करते। भारत खुद से अपने आधुनिक हथियार बनाता, जिससे सालाना सिर्फ हथियार खरीदने के लिए भारत को इतने हजार करोड़ बाहर नहीं भेजने पड़ते, और ये सारा पैसा भारत अपने नागरिकों की शिक्षा और अन्य क्षेत्र में लगाता, जिससे तीनों देशों के नागरिकों को अपने बच्चों को पढ़ाई और इलाज के नाम पर बाहर नहीं भेजना पड़ता। भारत सरकार के पास कोई फालतू काम नहीं रह जाता, और उन्हें ये पूरा पैसा अपने नागरिकों के अच्छे भविष्य के लिए लगाना पड़ता। इन तीनों देशों की बेहतरीन सेना मिलके एक विध्वंसक आर्मी बनाती, जिसके सामने खड़ा रहना मतलब मौत। और जब इतना कुछ यहाँ होता तो भारत के नागरिक सिर्फ पैसे के लिए दूसरे देश जाके अपने हाथ नहीं घिसते। अमेरिका के पास शायद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की कमी हो जाती, किसी की भी हिम्मत भारत को आग दिखाने की नहीं होती। और आजादी से अभी तक के 70 वर्षों के बाद आज की तारीख में भारत GDP के मामले में US को पछाड़ चुका होता, और हाँ, इस वीडियो के बनने के कुछ ही सालों बाद वो महाशक्ति भी बन ही जाता। अब हमारा देश महाशक्ति तो बन गया, तो अब क्या, पॉजिटिव बातें तो कर ली, थोड़ा नेगेटिव हो जाए। नंबर एक, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ होता तो जरूरी नहीं था कि कश्मीर भारत का हिस्सा होता, क्योंकि आजादी के वक्त कश्मीर के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह कश्मीर को एक अलग ही देश बनाना चाहते थे, पर कुछ ट्रेजेडी के चलते वो भारत के साथ मिल गए। वो ट्रेजेडी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देख लें। अगर भारत और पाकिस्तान एक होते तो वो घटना कभी नहीं घटती, और आज की तारीख में कश्मीर शायद एक अलग ही देश होता। नंबर दो, अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई तो जरूर कम होती, पर कहीं न कहीं विद्रोह की आग जरूर भड़क रही होती, और दुनिया के बाकी देश अपने अपने फायदे के लिए उस आग में घी डालने का काम बड़े शौक से करते, जिससे होता ये कि इतने बड़े देश के कोने कोने में लड़ाइयाँ चलती रहती। इसे काबू में पाने के लिए बहुत पैसा लगता, जिसका भार पूरे भारत को उठाना पड़ता। उदाहरण के तौर पर आज कश्मीर है, तब तो ऐसे बहुत होते। तो फिर से ये सवाल, क्या हमारा देश एक महाशक्ति होता।
कोई भी देश नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश उससे ज्यादा ताकतवर हो। अगर आज बंटवारा ना होता और भारत शांतिप्रिय तरह से तेजी से विकसित हो रहा होता तो बिना कुछ किए ही बहुत से देश उसके दुश्मन बन जाते जो किसी भी तरह से भारत के नीतियों के आड़े आते। क्योंकि अगर बंटवारा ना होता तो भारत और पाकिस्तान की कभी जंग ही ना होती और शायद चीन की भी हिम्मत भारत पर आक्रमण करने की कतई ना होती। आज की तारीख में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे जरूरत है एक मजबूत सेना की। इतिहास गवाह है कि भारत के पड़ोसी देश ही उसे ऐसी बड़ी सेना रखने में मजबूर करते हैं जिसे हर समय तैयार रहना पड़ता है। पर अगर बंटवारा ना होता और जंग भी ना होती तो भारत को इतनी बड़ी सेना रखने की कभी जरूरत ही महसूस ना होती, जिसका अंजाम ये होता कि सेना के मामले में भारत बाकी देशों से बहुत पीछे रह जाता। पर इतने सारे नकारात्मक प्रभावों को चीरते हुए भारत की एक तेज रोशनी आती है जो हमें बस इतना समझाती है कि इतिहास गवाह है इसके इतने टुकड़े किए गए। यहाँ इतने धर्म के लोग मजे से रहते हैं, इतने हमले होने के बावजूद इस देश ने न केवल खुद को बचाया है बल्कि दूसरे देशों की भी आपदाओं से बचने में मदद की है। ये एक ऐसा देश है जिसने दशकों से इतने भ्रष्ट नेताओं को देखा है, जिसने इसे डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सारी चीजों के बाद भी आज की तारीख में दुनिया के बाकी देश ये पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि हाँ यही आने वाली महाशक्ति है। ये सब तब हो रहा है जब उसके दोनों हाथ पाकिस्तान और बांग्लादेश उससे काट दिए गए हैं, उसके सर का ताज छिन चुका है। महाशक्ति तो कोई न कोई देश बनी जाती है, पर सोचिए अगर ये तीनों देश आज साथ होते तो ये क्या बनता, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि अगर मेरी माने तो ये सवाल ही गलत बनता। सवाल ये नहीं पूछा जाता कि क्या ये एक महाशक्ति बन पाता, बल्कि ये पूछा जाता कि ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कब तक कर लेता। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दफा दफ लाइक मारो और अगर आगे भी देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर वीआईपी बनके सबसे पहले देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बगल में उस लाल कण को नील कण करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो वीडियो ढूंढते रह जाओगे और घंटा भी नहीं मिलेगा। ये सब तो ठीक है पर अभी के लिए क्या करें, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन दबाओ और जरा अगल बगल झांक लो क्योंकि सही में ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा। बाकी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक बाय।